नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज के नजर। मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय है कन्नौज लोकसभा में, कस्बा है त्रिवा, किसान इंटर कॉलेज में है। कई हमारे साथ लोग भी हैं जो वोट डाल के भी आए हैं, कुछ लोग डालने भी जा रहे हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। दद्दा है, दद्दा वोट डालने जा रहे हैं। क्या नाम है दद्दा? अरुण कुमार पालीवाल। पालीवाल जी, अपना ये त्रिवा रहने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार की अगर बात की जाए तो कन्नौज लोकसभा बहुत चर्चा में रही है, तो क्या सोच के इस बार वोट डाला जाएगा? विकास को डाला जाएगा, रोजगार का? जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। विकास करेगा जो भी उसको वोट देंगे। और भी कोई लोग हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता। वोट डाल के आई है अभी जी। क्या सोच के डाल के आई, कानून व्यवस्था को लेके या विकास को लेके क्या सोचा है आपने? क्या सोचा है, यही है कि ऐसी सरकार बने जो कुछ बेरोजगारी दूर हो। बच्चे बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं, रोजगार को लेके कहीं ना कहीं, रोजगार, महंगाई, बहुत चीजें हैं, बहुत सारी। महिलाओं की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था जिस तरीके से अच्छी बढ़िया मेंटेनेंस है, तो क्या लग रहा है कि सरकार में सही है? सरकार में तो नहीं है। तो और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रेश कुमार है। यही त्रिवा की निवासी है। क्या सोच के वोट डाला इस बार चुनाव में? इस बार यही डाला, यहाँ आपकी ये सरकार में बहुत महंगाई है। महंगाई को लेके आपने, महंगाई को लेके सोच के डाला? देखिए, महंगाई को लेके सोच के डाला वो दद्दा भी डाल गया है। क्या नाम है दद्दा? मेरा निर्भय कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी, जी क्या सोच के डाला है वोट? बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, वो देश, हम लोग देश है आदमी, वही हिसाब से वोट डाला। देश को आगे बढ़ा रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, देश को विश्व में नंबर एक। तो कन्नौज में क्या लग रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि वापसी हो रही है? क्या मालूम, तो चुनाव के बाद पता लगे, चुनाव के बाद पता लगे। युवा है हमारे साथ, युवा से भी बातचीत करेंगे। जिन लोगों से बातचीत होती रही वो लोग चलते भी रहे। क्या नाम है भैया? सुंदरम भैया, यहाँ के त्रिवा रहने वाले होंगे आप। युवा है, युवाओं की बातचीत चलती है कि युवाओं को रोजगार, तो रोजगार किस तरीके का मिला युवाओं को? कुछ नहीं मिला, रोजगार तो मिले नहीं। हम लोग 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करके ऐसा लगता है कि टाइम खराब हो रहा है। कोई नौकरी नहीं, कोई सरकारी वैकेंसियां नहीं, कुछ नहीं निकलता है। जो भी निकलता है तो पेपर लीक हो जाता है। अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ, जो कभी हुआ नहीं लीक, इस बार नीट का पेपर लीक हो गया। तो ये सब ऐसे बेरोजगार के लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो रोजगार को लेकर वोट डाला आपने? भैया क्या सोच के डाला वोट इस बार? मैंने अभी वोट नहीं डाला। अच्छा, वोट डाला नहीं, तो डालने जा रहे हैं क्या? नहीं, डालना पसंद नहीं है, सरकारी नहीं पसंद है मुझे। कोई भी सरकारी नहीं पसंद? तो नोटा में भी तो डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, भी डालेंगे जाके, क्योंकि विकास के हिसाब से वोट डालना होता है। और रोजगार बना रहे हैं, साइकिल भी डाल देंगे। ताकि क्या बना रहे हैं? इरादा बना रहे हैं कि अगले साधक डाल दें, कन्नौज में वही विकास करते हैं। क्या आप डाला है कि नहीं वोट डाला है? डाला है। क्या सोच के डाला? लड़का, आपके लड़के जो खड़े हैं, क्या ये लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल पा रहा है? रोजगार मिल जाएगा दादा, थोड़ा कम बोल पाएंगे नाते भाई। आप लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग जाते भी रहे। और जिन लोगों से बातचीत होती है, और भी कई लोग हैं, लोगों से भी बातचीत करें। देखिए कई लोग आ रहे हैं, तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। भैया देखिए आए हैं, क्या नाम है भैया? विशाल। युवा हैं, रोजगार की बात आती, 5 साल से बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं, बहुत परेशान है। सरकार तो चेंज होनी चाहिए, सरकार चेंज होनी चाहिए। देखिए सरकार चेंज होनी चाहिए, भैया का कहना है। आप बताइए भैया, वोट डाले हैं कि डालने जा रहे हैं? जी डालिया, डाला है। क्या नाम है अपना? गुलाम बारिश। गुलाम बारिश, तो त्रिवा निवासी भी होंगे जी? तो क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? जी, अखिलेश जी ने बहुत यहाँ कन्नौज में विकास कराया है। मेडिकल कॉलेज दिया हम लोगों को स्वास्थ्य के लिए, आगरा एक्सप्रेस बनवाया, जो लखनऊ हम लोग जाते थे, कन्नौज से पूरा दिन समय लगता था, अब हम लोग 1.5 घंटे में लखनऊ पहुँचते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, पैरा मेडिकल बनवाया। आपका मानना है कि विकास को लेकर मतलब वोट दे रहा है? जी जी, आप बताइए भैया, भगवा कलर का अंगूठा डाले बकायदा, तो आप क्या नाम? हम बहुत समझ रहे हैं, पहले हम तुम्हें, हम क्या बता रहे हैं, हम राष्ट्रवाद पे वोट कर रहे हैं, अपनी वोट से वोट कर रहे हैं राष्ट्रवाद पे, और गुंडन को दमन करने के लिए। बस विकास तो दिखाई पड़ता है, आप देखो पूरे देश को विकास। हाँ, ये हम बता रहे हैं आपको। तो किधर माहौल जा रहा है? अरे माहौल राष्ट्रवाद पे किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है। देखिए देखिए, बिल्कुल खुल के बताया कि राष्ट्रवाद पे बीजेपी का माहौल है, और भी कई लोग आ रहे हैं। महिला सुरक्षा, राष्ट्रवाद, और हम व्यवसायियों की सुरक्षा, ये है। तो और भी लोग हैं, और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इधर अगर देखें तो कई लोग डाल के भी आ रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है भैया? जी भैया, दिव्यांश गुप्ता नाम है। गुप्ता जी, क्या माहौल चल रहा है? जी माहौल तो सब बढ़िया ही चल रहा है, अब क्या बताएं अंदर की बात। युवाओं को रोजगार मिल रहा कि नहीं? युवाओं को रोजगार तो नहीं मिल रहा है, मगर ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो
युवा खुश है, राम मंदिर बन गया, 500 वर्षों का जो हम लोगों का प्रयास था वो कंप्लीट हो गया है, और क्या चाहिए, क्या चाहिए। बिल्कुल, तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो हम लोग इस समय कन्नौज लोकसभा में थे और किसान इंटर कॉलेज में कई स्थानीय लोग भी थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो इस समय माचंदापुर गांव में पहुंच गए, अगर बात की जाए तो भैया यहाँ चौपाल लगी थी, कई लोग थे, तो सभी लोगों चर्चाएं करेंगे। जिस तरीके से हमने आपको पोलिंग बूथ पे दिखाया, हमारे साथ भैया है वोट डालने जा रहे हैं, तो भैया बताइए क्या नाम है आपका? अब्देश। अब्देश भैया माचंदापुर के रहने वाले हैं जी। तो बताइए फिर, अपने यहाँ क्षेत्र में वोटिंग का समय है तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और पोलिंग भी बहुत मस्त है और साइकिल में वोट ज्यादा पड़ रहे हैं गांव माचंदापुर में। तो माचंदापुर की अगर बात की जाए तो माचंदापुर में ज्यादातर अगर सबसे ज्यादा बर्मा बिरादरी का वोट है। हाँ जी। तो बर्मा बिरादरी किधर जा रहा है? अब तो सपा में है इस समय सब लोग। आप किधर जा रहे? हम भी सपा में जा रहे हैं। देखिए भैया है वोट डालने जा रहे हैं, भैया कह रहे हैं सपा में जा रहे हैं, तो और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। दद्दा क्या आप यही माचंदापुर में रहते हैं? आ जाइए थोड़ा भैया, आ जाइए। देखिए दद्दा है, दद्दा से बातचीत करते हैं। क्या नाम है दद्दा? हमारा नाम है पुत्तेलाल, पीएल राजपूत के नाम से। राजपूत जी जी, अभी वोट डाल दिया कि नहीं डाला? वोट डाल चुके हैं। वोट डाल चुके हैं। तो क्या अपने यहाँ स्थानीय कुछ मुद्दा रहा है? क्या यहाँ स्थानीय मुद्दा ये रहा है कि हमारे यहाँ विकास के नाम से जो है चुनाव हो रहा है, और ये भी एक हैट्रिक लगने की कोशिश है। लोग सभी की ये उम्मीदें हैं कि चुनाव तो हमारा पहले ही जीत चुका था समाजवादी पार्टी का, लेकिन अब क्या है, उन्हें एक हैट्रिक बनाना है, अच्छे मतों से ही चुनाव जीतना है, और इसीलिए हमारा एससी से लेके बैकवर्ड से लेके बैकवर्ड का अच्छा साथ देने के लिए तैयार है। कुल मिला के अगर माना जाए तो विकास पे वोट जा रहा है? विकास पे वोट जा रहा है। अपने गांव में अगर देखा जाए तो विकास थोड़ा कम रह पाया है? हाँ, वो तो विकास की बात ही, जब क्या हम बताएं, बहुत ज्यादा ना कहना चाहता हूँ, नौजवान युवा पीढ़ी के तहत में इतना बड़ा शोषण हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बिल्कुल, 9-9 वैकेंसियां थी, सारी की सारी पेपर लीक किया गया। और अच्छा एक बात ये, चलिए वो तो वैकेंसियों की बात रही, उस पर तो राजनीति ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अच्छा वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो क्या अपने यहाँ लोग निकल के जा रहे हैं वोट डालने के लिए? क्या अच्छा वोट पड़ रहा है, बड़ी शांतिपूर्ण से पोलिंग हो रही है, उसमें किसी प्रकार की लग रहा है कि लगभग में 80-70% के आसपास? नहीं होगी, नहीं होगी, करीब जो है हमारी उम्मीद है कि 58 या 59% से ऊपर नहीं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपको अलग अलग क्षेत्रों में दिखाया, अलग अलग गांव में दिखाया, यहाँ की अगर बात की जाए तो माचंदापुर गांव है, यहाँ पर ज्यादातर बर्मा बिरादरी का वोट है, कुछ एससी भी है। आज की जानकारी पसंद हो तो ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।